फाइनली आईपीएल ऑक्शन पे जो है वो फाइनल खबर आई है और फाइनली बता दिया गया है कि कितने प्लेयर को रिटेन किया जाएगा और राइट टू मैच कार्ड जो है वो यूज़ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, पर्स वैल्यू कितनी होगी और साथ में जो है कहाँ पे ऑक्शन होगा, कब ऑक्शन होगा, सारी डिटेल जो है आईपीएल की आ चुकी है। एक बैठक हुआ है उसमें सारा फाइनल कर लिया गया। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि 5 खिलाड़ी को रिटेन किया जाएगा और जिसमें से 2 जो है विदेशी खिलाड़ी होंगे और 3 जो भारतीय खिलाड़ी होंगे। तो ये नियम लागू कर दिया गया है कि 5 खिलाड़ी ही रिटेन होंगे जिसमें से 3 खिलाड़ी जो है वो भारतीय होंगे और 2 विदेशी होंगे। पहला ये नियम है। दूसरा चीज, आरटीएम कार्ड को भी लाया गया है, राइट टू मैच कार्ड। राइट टू मैच कार्ड क्या होता है? जैसे कि अगर किसी टीम ने किसी टीम से किसी प्लेयर को जो है वो खरीद लिया है, ठीक है, जैसे खरीद लिया और 15 करोड़ में खरीद लिया, फिर अदर अमाउंट में खरीद लिया, लेकिन उस जिस टीम से खरीदा है उसको लगेगा कि नहीं, ये जो वो प्लेयर सॉल्ड हो चुका है, दूसरी टीम में जा चुका है। लेकिन अगर प्लेयर को लगेगा कि यानी टीम मैनेजमेंट को लगेगा कि ये जो प्लेयर है नहीं मेरी टीम के लिए अच्छा ही होता, तो राइट टू मैच के लिए जो है कार्ड को यूज कर सकता है, उस प्लेयर को वापस अपनी टीम में ला सकता है। तो ये होता है राइट टू मैच कार्ड। तो यानी 5 जो है 5 आप रिटर्न कर सकते हैं, 1 राइट टू मैच कार्ड का यूज कर सकते हैं, यानी टोटल 6 खिलाड़ी को आप रिटर्न कर सकते हैं। ये पहला चीज है। दूसरी चीज जो है, पर्स वैल्यू जो है वो 115 करोड़ से 120 करोड़ कर दी गई है, जबकि पर्स वैल्यू आप लोग पहले देखते होंगे 90 करोड़ की होती थी। पर्स वैल्यू मतलब आपको उतने ही अमाउंट में सारे प्लेयर खरीद लेने हैं, उतने अमाउंट में आप जितना प्लेयर खरीद सकते हैं। तो पहले जो पर्स वैल्यू थी वो 90 करोड़ के आसपास थी, 90 से 100 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी जो पर्स वैल्यू है वो लगभग जो है 115 से 120 करोड़ कर दिए गए, लगभग जो है 30 करोड़ जो है वो पर्स वैल्यू बढ़ा दी गई है, 30 करोड़ पर्स वैल्यू बढ़ा दी गई है, सबसे बड़ी बात है। और साथ में ऑक्शन कब होगा? तो ऑक्शन जो है वो नवंबर में हो सकते हैं, नवंबर में ज़्यादा चांसेस होंगे, नवंबर से दिसंबर में जो है वो आईपीएल ऑक्शन होंगे। और आईपीएल ऑक्शन की जो जगह अभी निर्धारित नहीं की गई है, यानी इंडिया से बाहर भी ऑक्शन जो है वो हो सकती है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कभी अदर अदर कंट्री में भी ऑक्शन होता है तो इंडिया में भी होता है, तो ऑक्शन जो है वो इंडिया से बाहर हो सकती है और नवंबर से दिसंबर तक जो है वो ऑक्शन हो जाएगा। ये सारी डिटेल जो है, ये सारी बैठक में सारी चीज़ें जो है तय की गई है और ये सारा खबर फाइनल अपडेट जो है आप लोगों तक पहुंचा है।